बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम आपके ही दिशा निर्देश व उत्साहवर्धन के कारण आज हम इस दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं। आप अब आपकी अनुमति से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम स्वागत कर रहे हैं हमारी आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर शिवानी श्रीवास्तव मैडम का। मैडम आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज अलीगंज लखनऊ में गृह विज्ञान विषय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपने एमएससी पीएचडी बीएचयू वाराणसी से किया है। आपका 20 वर्षों से अधिक शैक्षणिक अनुभव है। आपके 24 रिसर्च पब्लिकेशन हैं और 4 बुक्स पब्लिश्ड हैं। आपने कई पीएचडी और एमफिल स्टूडेंट का निर्देशन किया है। आप कई नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की कन्वीनर रह चुकी हैं। आप कई एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक कमिटीज को लीड कर रही हैं। मैडम हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य है कि आज हम आपके विचार से लाभान्वित होंगे। मैडम डॉक्टर शिवानी श्रीवास्तव थैंक यू। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रोफेसर सुधा पांडे मैडम जी का और इस महाविद्यालय परिवार के विज्ञान विभाग का डॉक्टर अंजु सोनकर जी का अरुंधति जी का जो इसमें वेबिनार के आयोजक हैं महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का विशिष्ट अतिथि के रूप में आप पधारे प्रोफेसर अनिता सिंह मैडम का अंशु शुक्ला मैडम का और हमारे इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत भी करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आपने एक मंच प्रदान किया और उस मंच पर एक बहुत ही साधारण विषय और उसका बहुत असाधारण जो उसका लक्ष्य और उसका संदेश है उस विषय पर मैं आपके सामने कुछ अपनी बातों को रख सकूं। मैं बहुत आभारी हूं इस बात के लिए भी कि COVID-19 वैश्विक महामारी के चलते जो समस्याएं उभर कर आ रही हैं वो समस्याएं सीधे तौर पर पोषण को परिलक्षित करती हैं, उसको उसी को वो दिखाती हैं, उसका उसके महत्व को दिखाती हैं, उस पोषण के महत्व को आज हमें समझना बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं कि दिन पर दिन आज की डेट में लखनऊ जैसे शहर में भी इस महामारी ने महाकाल रूप धारण किया हुआ है और हर थर्ड व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया जा रहा है। ये बात अलग है कि वो संक्रमण में होने के बाद निकल जा रहा है, उससे उबर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पोषण अच्छा है। जिस व्यक्ति का पोषण अच्छा नहीं है वो ऐसी गंभीर समस्याओं से ऐसी गंभीर बीमारियों से कतिपय नहीं बच पा रहे हैं। ये बहुत खेद का विषय है। तो आज के दृष्टि में आज के परिप्रेक्ष्य में न्यूट्रिशन कितना महत्वपूर्ण है वो बात बहुत खास है जो सुधा पांडे मैडम ने अभी इस वेबिनार के संदेश को वेबिनार को आयोजन करने के उद्देश्य को लेकर बताई कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की आहार एवं पोषण से संबंधित कई सारी भ्रांतियां उपलब्ध हैं जिसकी वजह से हमारा देश या हमारा जो स्वास्थ्य है हमारे भारतवर्ष का वो उसकी दिशा सही नहीं जा रही है। तो लेकिन उस दिशा सही ना जाने की वजह से ही हम उस कैटेगरी में हैं कि आज हम अपने आप को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए उसकी जो दुष्परिणाम है उससे बचने के लिए न्यूट्रिशन की तरफ हम लोग अपना मुंह अपना देखते हैं या फिर उसकी तरफ हम ध्यान से देख सकने के लिए मजबूर हैं। तो आज के इस संदर्भ में मैं कुछ खास चीजों के बारे में बताऊंगी ये मानते हुए कि आप सभी जनरल न्यूट्रिशन जानते हैं, जनरल हेल्थ की परिभाषा जानते हैं, क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सब आपको मालूम है। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में आपको कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना चाहूंगी। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो WHO की परिभाषा के अनुसार हम ये मानते हैं कि हमारी फिजिकल फिटनेस ही या रोगों से
रोगों का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है, हम उस स्वास्थ्य को भी अपने स्वास्थ्य की परिभाषा में सम्मिलित करते हैं, जिसमें कि मेंटल स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य या सामाजिक स्वास्थ्य भी आता है। अर्थात आप फिजिकली फिट हैं, दैट डजंट मीन कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। तो एक परिभाषा जो WHO की है वो सर्वमान्य है और सभी लोग इस बात को जानते हैं कि हेल्थ या हेल्दी होना क्या मायने रखता है। अगर हम करें न्यूट्रिशन की या आहार की या पोषण की, तो हम कहते हैं जैसा हम खाते हैं, जैसा रहने का आप खाना खाते हैं वैसा ही आपका व्यवहार या शरीर बन जाता है। ये बात हमारे पूर्वजों ने भी कही है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे तन। तो ये इस बात में आहार एवं स्वास्थ्य या पोषण एवं स्वास्थ्य की जो आपसी संबंध है वो दर्शाता है। आहार कैसा होना चाहिए, बहुत साधारण तौर से बहुत लेमैन की जो परिभाषा है वो है संतुलित आहार। जो सभी जानते हैं कि संतुलित आहार हम अगर अपने खाने में लेते हैं, तो संतुलित आहार की परिभाषा में हम वो खाना रखते हैं, वो भोजन रखते हैं जिसमें कि सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाएं। पोषक तत्व भी दो तरीके के हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी मात्रा हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है, जिसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी मात्रा हमें थोड़ी कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन वो उतने ही आवश्यक है शरीर के लिए जितना की मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे विटामिन, मिनरल्स और जल आते हैं। जल की आवश्यकता आपकी बॉडी में ज्यादा होती है, लेकिन वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि वो ऊर्जा नहीं देते, लेकिन इसके अलावा भी वो बहुत सारे रेगुलेटरी फंक्शंस हमारी बॉडी में करते हैं। तो जब हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो हम न्यूट्रिएंट्स की भी बात करते हैं, अपने पोषक तत्वों की भी बात करते हैं। इसके लिए जो ICMR ने टाइप फूड ग्रुप्स हैं उसको डिफाइन किया है, और उस फूड ग्रुप्स में जो पांच भोज्य समूह हैं, उसमें अनाज समूह है, दाल समूह है, दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ हैं, वसा है, शुगर है, और फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपनी दिन भर की थाली या दिन भर की मील को अगर हम प्लान करते हैं, तो इन सारे फूड ग्रुप्स के जितने भी हमने फूड्स देखे हैं उन बताए, इन फूड ग्रुप्स की एक निश्चित मात्रा को हमें आहार में अपने शामिल करना चाहिए। इस मात्रा को आहार में शामिल करने का सीधा मतलब ये है कि हम उससे जुड़ी हुई विसंगतियों से, उसकी कमी से होने वाले विसंगतियों से बच सके। और कमी से होने वाली विसंगतियां भी होती हैं और अधिकता से भी होने वाली विसंगतियां होती है। इसलिए जो पोषण है वो भी दो तरीके से डिफाइन किया गया है। ये अत्यधिक पोषण है जब हम और आप आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, और अंडर न्यूट्रिशन है जिसको कि हम माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इस अवस्था में हम आवश्यकता से कम मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में उससे संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। तो ये तो आपका हो गया संतुलित भोजन। संतुलित भोजन सभी जानते हैं कि हमें आहार में अच्छी मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना है, सलाद लेना है, दाल लेनी है जिसमें कि पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल और जल मिलते हैं। अगर हम अपने पोषण को राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द बर्थ यानी कंसेप्शन से शुरू करें, तो जो शुरू के आपके 1000 दिन हैं या आप उसको 2 साल भी कह सकते हैं, वो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इस मंथ के दौरान, इन दिनों के दौरान जो बालक है उसका मानसिक विकास भी हो रहा होता है फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ। इसका अर्थ सीधा ये है कि यदि हम बालक के आहार की प्लानिंग करते हैं, उसकी उसको योजना बनाते हैं, तो उस समय हमें विशेष तौर पर जितनी आप मेहनत 2 साल के अंदर या शुरू के 5 साल के अंदर ईटिंग हैबिट्स, जिससे कि बालक की आगे जाकर के खाने की हैबिट्स हैं वो सुधर सकें,
शुरू के 5 सालों में वो आप अगर उस बच्चे को देते हैं तो वो बेहतर तरीके का नागरिक बन पाएगा, स्वस्थ होगा और अपने देश के लिए वो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो एक तरीके से हमारे लिए जो बच्चे हैं शुरू के 2 साल और 5 साल तक वो एसेट हैं, उनको बचाए रखने के लिए उनको उचित पोषण देना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा प्रोटीन जो हमारा अत्यधिक मेजर पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व है, स्थूल पोषक तत्व भी जिसे कह सकते हैं, उसका कार्य जैसा हम जानते हैं बॉडी बिल्डिंग है, तो उसकी उचित मात्रा हमारे बॉडी में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, अगर हम इसका व्यवहारिक पोषक तत्व का की रिक्वायरमेंट कितनी है ये जानना है तो हमें आगे का टेबल फॉलो करना होता है जिसको रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहते हैं। सामान्य तौर पर जो प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर को चाहिए होती है वो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से चाहिए होती है, लेकिन शुरुआत के दिनों में जब बच्चे की बॉडी का विकास हो रहा होता है, शरीर का निर्माण हो रहा है और सेल का निर्माण हो रहा होता है, उस समय प्रोटीन ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इसके अलावा अरावी पोषक तत्व है, वो बहुत लंबा एक लेक्चर हो जाएगा वो बेसिक न्यूट्रिशन का, जिसमें कि हमें आपको जो आगे का टेबल डिसाइड करता है उसकी जो कमेटी होती है वो कितना पोषक तत्व तो कितनी मात्रा में आपको कब और कैसे लेना है वो उस बात को निर्धारित करता है और वो निर्धारण करके वो टेबल हम लोगों को दे दी जाती है एज ए डाइटिशियन एज ए न्यूट्रिशनिस्ट कि हम उसको रेफर करें और हम ये जान सकें कि वास्तव में हमारी पर्टिकुलर एज में किसी एक्टिविटी जैसे एक्टिविटी के हिसाब से भी हम न्यूट्रिएंट्स को डिसाइड करते हैं। अगर आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है तो आपको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए, मॉडरेट एक्टिविटी के लिए आपको मॉडरेट न्यूट्रिएंट्स चाहिए और लेस एक्टिविटी है तो आपको कम न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये आरडीए का टेबल आपको ये दर्शाता है कि आपको प्रतिदिन किसी भी न्यूट्रिएंट की कितनी भी मात्रा आपको चाहिए। ये तो किताबी ज्ञान है जैसा कि सुधा मैडम ने बताया, प्राचार्य मैडम ने, कि ये पता सभी को है, अत्यधिक ज्ञान है, सभी को मालूम है। हमने आपको इस बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए इसलिए शुरू किया कि थोड़ा सा आप इस विषय से जुड़ें और थोड़ा सा इंटरेस्ट शुरू हो जाए, क्योंकि आमतौर पर बैलेंस डाइट को जो हमारे क्लास 6th से आई थिंक या क्लास 3rd से ही बच्चों की क्यूरिकुलम में इंकल्केट कर दिया गया है, डाला गया है, ताकि वो शुरू से ही पोषण के बारे में जान सके। अब जो उसका बिहेवियरल पक्ष है या फिर उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, हम उस पर जाना चाहेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि हम जो क्या पोषक तत्व हैं, किन भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं और हमें कितना खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए, लेकिन होता यह है अमूमन कि हम फिर भी आज की डेट में अगर सर्वे अगर कराएं या जो वृहद तौर पर ICMR या जो हेल्थ से जुड़ी संस्थाएं कराती हैं और कई रिसर्च अनुभव अनिता सिंह मैडम के पास भी हैं, जो उन्होंने अपने न्यूट्रिशन के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं और बहुत उत्कृष्ट काम किए हैं और उनको इस संबंध में पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो इस बात से सभी सहमत होंगे कि अब जो आज की दशा है जो हमारे भारतवर्ष की, उसमें दो अलग अलग वर्ग के पोषण से संबंधित समस्याएं हमें मिल रही हैं। एक वर्ग तो वो है जो हायर इनकम ग्रुप है, उसमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। ओबेसिटी सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही बच्चों में मोटापे की समस्या हो रही, और ये वो वर्ग है जो हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है और अपने खाने में उसके ज्यादातर सीरियल्स फैट्स ज्यादा होते हैं, यानी अनाज और वसा की मात्रा ज्यादा होती है। और ऐसी कंडीशन में जो ओबेसिटी की वजह से जो बच्चा है जो कि चाइल्ड ओबेस है वो आगे जाके और गंभीर समस्याओं में फंस जाता है। ओबेसिटी से संबंधित जो समस्याएं जैसे कि आप जानते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हैं और इसके अलावा हार्ट से संबंधित परेशानियां हैं, डायबिटीज है, तो ये सारी परेशानियां भी आपकी आगे जाकर होने वाली हो जाती है। एक वर्ग ये है और दूसरा वर्ग ये है
जो वर्ग लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करता है और वहाँ पर भी प्रोटीन की कमी होती है और वो भी सीरियल बेस्ड खाना खाते हैं, लेकिन उनकी अपनी आवश्यक आवश्यकताएं भी, न्यूट्रिशन संबंधी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं और वो माल नरिश्ड हैं, वो कुपोषित हैं। तो ये जो अंतर आ रहा है, इस अंतर का सीधा मतलब हमारा जो सीधा जो हम उसको रिलेट करते हैं सोशल एस्पेक्ट से, तो वो आप देखेंगे कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है। हमारी जो आज की दिनचर्या है वो बदल गई है। हमने जो वेस्टर्न खाना है उसको बहुत अपना लिया है और उसकी वजह से, और अपनाने वाली चीजें तो आपने ले ली हैं, जो आप जो नहीं अपनाना चाहिए था वो ले लिया है, स्वाद को ले लिया है, आपने टेस्ट को ले लिया है, आपने कुरकुरी आवरण को ले लिया है, उसकी जो सुंदरता है वो देख कर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है जीत के अनुसार। लेकिन जो हमारी वास्तव में अपनाने वाली चीजें थी, ग्रिल्ड खाना और उबाल के खाना और जो पोषक तत्वों की जिसमें ज्यादा बचत हो सके उस पद्धति को अपनाना, वो हमने छोड़ दिया है। लेने के बाद भी हम करते हैं क्या कि हमने उस अपनी एक्टिविटी लेवल को और कम कर दिया है। आप देखिएगा यह गृह विज्ञान विषय का एक एक एस्पेक्ट ये भी है कि हम जो जो डिवाइसेस हैं उनका आविष्कार देख करते हैं जो कि आपके हेल्थ और आपके टाइम एंड एनर्जी का सेव कर सके। यानी हम हर वो डिवाइस को अपनाना चाहते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, मिक्सी हो, आपका वाइपर हो, आपका पोछा लगाने वाला वो हो, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास एक्टिविटी करने के लिए या फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपने एसी का गाड़ी ले ली है, आपने एसी घर है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे भी टेबल वर्क है, कंप्यूटर है, आपको फिजिकल कोई काम नहीं करना है, ऐसे कंडीशन में भी हमारी जो लाइफस्टाइल है इसने बहुत सारे डिसीजेस को जन्म दिया है और ये आपकी डिसीजेस डबल बर्डन ऑफ हेल्थ कहलाती है, जिसको हम लोग डबल बर्डन कहते हैं। और उन कंडीशंस में होता ये है कि हम इन एक तरफ तो अपना पैसा और टाइम बचाने के लिए और अपनी श्रम को बचाने के लिए इन सारे सुविधाओं का उपयोग करते हैं और दूसरी तरफ जब आपका वेट ज्यादा हो जाता है, जब आप ओवरवेट होने लगते हैं, जब आप ओबेज होने लगते हैं, तो जिम का रुख करते हैं। जिम मतलब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर स्वचालित मशीनें हैं, ऐसी मशीनें हैं जो कि आपकी एनर्जी का लॉस कर सके, तो वहां पे पैसा खर्च करना आपको मंजूर है, वहां पे आपको आप कर सकते हैं, लेकिन आप घर में श्रम करते हैं तो वो आपको वो श्रम मंजूर नहीं है। तो जो बेसिक चीजें थी वो हम लोगों ने छोड़ दी हैं और जो चीजें हमें करनी चाहिए थी और हमने उन चीजों को, उन आदतों को अपना लिया है जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर असर सीधा जा रहा है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो हम लोगों ने अपने पोषण को ना प्रायोरिटाइज करके, अपने पोषण को ना ध्यान में रखते हुए कई गलत चीजों को हम लोगों ने अपने अवधारणाओं में शामिल किया है। अगर आप किसी एडोलेसेंट बच्चे से बात करेंगे कि आपका प्रिय खाना क्या है, तो वो शायद मैगी, नूडल्स, बर्गर, इन सब की बात करता है, तो उनका भी कोई दोष नहीं है। अगर हमें अगर उनको ये नहीं है, अच्छा आप उनसे अगर बात करें कि ये मत खाओ, तो वो बोलेगा कि इसमें भी तो सब्जी पड़ी होती है, ये बहुत कॉमन सी बात है, मेरे घर में भी होती है, मेरे बच्चे इस बात के लिए मुझसे झगड़ा करते हैं कि मम्मी सब्जियां तो इसमें भी पड़ी हैं, आप सब्जियों की बात करते हैं, सब्जियां इसमें भी पड़ी हुई, तो क्या बुराई है इसमें। तो जो जो एक भ्रांति के तौर पर हमारे समाज में टेस्ट को और पोषण को, टेस्ट को स्वीकारा जा रहा है और पोषण को अस्वीकारा जा रहा है, यानी उसको इग्नोर किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है इस तरीके की डिसीजंस का के फैलने में। क्यों? क्योंकि अगर हम उनसे ये कहते हैं कि आप वाइट ब्रेड मत खाइए, तो उन्हें पता है कि वाइट ब्रेड में फाइबर होता है, और या फाइबर नहीं होता, सॉरी, आप आटा खाते हैं, आटे में चोकर होता है, अगर हम चोकर निकाल के व्हाइट वाली रोटी सेकते हैं तो बच्चों को पसंद आती है, और वही अगर हमने चोकर वाली रोटी सेक दी तो उनको पसंद नहीं आती, उनको लगता है कि ये रोटी कैसी है, खराब है, लेकिन फाइबर का महत्व है,
जो कि आप बाजार के खाने में या व्हाइट ब्रेड में, या आपने अगर मैदा के रूप में मैगी खाई, नूडल्स खाए और बर्गर खाया, वो आपको व्हाइट ब्रेड के रूप में मिल रहा है, उसमें फाइबर नहीं है। फाइबर ना होना आपके शरीर के लिए कहाँ तक उपयोगी है, फाइबर आपको, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जैसा हम सब जानते हैं कि फाइबर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स रूप है, और हमारे बॉडी में ये एक तरीके से मल निर्माण का काम करता है, अर्थात जो हमारी बॉडी में अपचित भोज्य पदार्थ हैं उनको मल के रूप में बाहर निकालने का काम करता है। तो अगर आप नहीं खाएंगे तो मल का निर्माण नहीं हो पाएगा प्रॉपर, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी और आगे जाकर और भी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अगर ये बच्चों को समझाएं या यंगस्टर्स के दिमाग में ये डालें कि कोई भी भोजन खराब नहीं है, अगर आप बर्गर खाना चाहते हैं या नूडल्स खाना चाहते हैं आप बेशक खाइए, लेकिन उसकी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। कितना खा सकते हो और क्यों खा सकते हो, कब खा सकते हो, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर आप ये समझें कि हम जो ऊर्जा लेते हैं, हमको भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, बहुत लेमैन के तौर पर, साधारण तौर पर हम लोग ये जानते हैं कि हम अगर भोजन जो लेते हैं उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, और इसके अलावा वो हमारे शरीर में अन्य रेगुलेटरी फंक्शंस करता है, वृद्धि और निर्माण करता है, बॉडी में खून का निर्माण करता है, हार्मोन्स का निर्माण करता है जो प्रोटीन के काम है। तो ये जो हम पोषक तत्व लेते हैं ऊर्जा के अलावा भी काम करने के बाद यदि ज्यादा हम लेते हैं, ये एक बैंक की तरह काम करता है। ये आप बहुत साधारण तौर पर समझ लें कि हम खाते हैं जो जो भी भोजन लेते हैं उसको उतने ही मात्रा में हमें खर्च भी करना आना चाहिए। जैसे एक बैंक है, बैंक में अगर आपने पैसे डाले और अगर आपने खर्च नहीं किया तो वो बैंक में पैसे बढ़ते चले जाते हैं, एक अच्छी मात्रा इकट्ठी हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप भोजन करते हैं और अगर आपने उसको खर्च नहीं किया, खर्च करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो भोजन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के लिए है उसको करने के बाद जो हमने भोजन की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को उपयोग में नहीं लाया, तो जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो हमारे शरीर में एक तरीके से वसा के रूप में इकट्ठी होती रहती है। वहां पर धन इकट्ठा होता है, यहाँ पर वसा इकट्ठा होती है, और उस बॉडी में जो आपकी फैट इकट्ठा होता है जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं, एनिमल फैट कहते हैं, वो अगर आपने खर्च नहीं किया तो वो धीरे धीरे बल्की होना शुरू हो जाते हैं, आप मोटे हो जाते हैं और ओबेस हो जाते हैं। यानी कि आपको खाना खाने में दिक्कत नहीं है, खाना आप कितना भी खाएं लेकिन उसको खर्च करें। किस तरीके से? आप शारीरिक श्रम करके उसको खर्च कर सकते हैं। अतिरिक्त भोजन आप अगर लेते हैं तो उसको अतिरिक्त श्रम से खर्च भी करें। तो इस यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी भोजन, आपको छोला भटूरा पसंद है, आपको मैगी पसंद है, आपको नूडल्स पसंद है, कोई भी भोजन बुरा नहीं है, एक सीमित मात्रा में आप उसको स्वाद के लिए खा सकते हैं, लेकिन उसको व्यवहार में लाना ठीक नहीं है क्योंकि उससे संबंधित जो अन्य परेशानियां हैं वो अगर आपको ग्रसित हुई तो उससे आपको मुश्किल हो। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि जो अवधारणा आमतौर पर चलती है कि यदि बच्चा मोटा है तो लोग कहते हैं वो हेल्दी है, यदि बच्चा कोई किसी का बच्चा मोटा है तो कहते हैं लोग हेल्दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोटा होना हेल्दी नहीं है, ये बहुत कॉमन सी बात है कि किसी भी व्यक्ति का मोटा होना हेल्दी होने की निशानी नहीं है। यदि वो व्यक्ति अपने सारे कार्य, दैनिक कार्य सुचारू रूप से कर सकता है, वो उसकी फिजिकल फिटनेस उतनी है कि कोई भी टास्क को वो आसानी से कर सकता है, तो फिर वो हेल्दी है भले ही वो पतला ही क्यों ना हो। तो यदि आपका बच्चा मोटा है तो आप ये कतई ना कहें कि वो हेल्दी है। पतला व्यक्ति भी उतना ही स्वस्थ हो सकता है जितना कि स्वस्थ व्यक्ति होता है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। और दूसरा, इसी जो हमने जो एक लाइन ऑफ डिवाइड बताई थी, उस लाइन ऑफ डिवाइड में यही होता है कि आजकल जो अपर क्लास का जो व्यक्ति है वो स्वयं तो डाइटिंग करता ही है, साथ में अपने बच्चों को भी डाइटिंग कराने लगती है।
कि बच्चा मोटा ना हो जाए। ये गलत धारणा है। इस बात को आपको ये समझना चाहिए कि शुरुआत के दिनों में बच्चे को जो इच्छा हो, जितनी इच्छा हो, उतना उसको एक सर्टेन एज तक आपको देना चाहिए। इसके बाद जब व्यक्ति की शारीरिक निर्माण हो चुका होता है, उस निर्माण के पश्चात आप अपने न्यूट्रिएंट्स की कमी कर सकते हैं। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान में रखा जाए कि यदि वह बच्ची है या लड़की है तो उसके पोषण का पूरा ध्यान रखा जाए। वो इसलिए कि आप सभी जानते हैं कि एक बच्ची या एक युवावस्था की, किशोरावस्था की लड़कियां आगे जाकर बहुत जरूरी जिम्मेदारी निभाती हैं। अपने किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उस बच्चे के जन्म के लिए उसका स्वस्थ होना अति आवश्यक है, और उस स्वस्थ होने के लिए उसके लिए पोषक तत्व भी आवश्यक है, उसका खाना भी आवश्यक है। तो इसलिए उस अवस्था में भी पोषक तत्वों का ध्यान देना आवश्यक है। एक मिसकंसेप्शन यह है कि हम डाइटिंग करेंगे तो पतले हो जाएंगे। मेरी इस बात से शायद सभी जो जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ बैठे हैं वो सहमत होंगे कि डाइटिंग करने का अर्थ पतला होना नहीं है। डाइटिंग भूखा रहना यदि किसी व्यक्ति को पतला कर देगा तो शायद सारे जितने भी रोजगार इससे संबंधित और लोगों के जुड़े हैं वो बंद हो जाएंगे। डाइटिंग करना पतला होना की का द्योतक नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। इस बात को माने क्योंकि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में लेते हैं वो रिक्वायरमेंट उसकी ऐसी होनी चाहिए कि जो डेली की आपकी नीड को पूरा कर सके। आप आवश्यकता से अधिक खाना ना खाएं, ये बात जरूरी है, आवश्यकता से अधिक खाना ना खाएं। यदि आपने आवश्यकता से अधिक खाया है तो उसको हम एनर्जी को यूज करके अपने अपने न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। आवश्यकता कैसे पता चलेगी, आप मोटे हैं ये कैसे पता चलेगा, इस बात को जानने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत साधारण सा फॉर्मूला एक साधारण व्यक्ति के लिए बताया जाता है न्यूट्रिशन के विज्ञान में, कि आपकी हाइट सेंटीमीटर में आप अपनी हाइट ले लीजिए और उसको 100 से माइनस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी हाइट 156 सेंटीमीटर है तो आपने 100 माइनस कर दिया, आपका 56 आता है। तो ये 56 है वो आइडियल वेट आपका होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है कि आप इतना वेट इसको 56 किलोग्राम का आप वेट रख लीजिए। तो इस फॉर्मूले को आप अगर डेली रूटीन में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस बात से आप अवगत हो पाएंगे कि आपका वेट बढ़ रहा है। वेट बढ़ रहा है तो आपको खाना कम करना है ऐसा नहीं है, आप उसके साथ फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, 30 से 45 मिनट का वॉक कर सकते हैं, ताकि आपका जो हेल्थ है वो सुचारू रूप से सुनियंत्रित तरीके से चल सके। एक और मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आज का दिन, आज का जो टॉपिक है वो बहुत सोच समझ कर किया गया है, इस बात को जानते हुए कि पोषण से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो परेशानियां केवल हमारे मिसकंसेप्शन से है, इग्नोरेंस से है, हमें सही जानकारी ना होने की वजह से है। तो ये जो निश्चित ही ये जो जानकारियां हैं यदि व्यक्ति के को दी जाएगी तो वो अपने पोषण संबंधी व्यवहार को सुधार करके अपने पोषण स्तर में सुधार ला सकता है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि महंगा भोजन अच्छा पोषण देता है, यानी जो पोषण है वो महंगे भोज्य पदार्थ में ही मिलता है। यदि आप काजू, बादाम और इस तरीके के महंगे आइटम खाएं तो ही आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उपस्थित सभी न्यूट्रिशनिस्ट जानते हैं, होम साइंटिस्ट जानते हैं कि बहुत अच्छा पोषण बहुत सस्ते भोज्य पदार्थों में भी प्राप्त हो सकता है। किसी भी गाय में, किसी भी ग्रामीण महिला को भी यदि हम ये जानकारी देते हैं कि वहां पर लोकली अवेलेबल जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं या खाए जाने वाले अनाज हैं वो आज के डेट में फैशन बन चुके हैं, मेट्रो सिटीज में मॉल का एक सुंदर सा एक कॉलम है, सुंदर सा एक दुकान का एक हिस्सा है जहां पर रागी मिलता है, जहां पर ओट्स मिलते हैं, जहां पर ऐसे फूड आइटम्स मिलते हैं जो रूरल एरियाज में जिनको हम लोग तिरस्कृत करते हैं और कहते हैं कि ये तो
गरीबों के खाने की चीजें। आप अभी नॉर्मल जाकर देखिएगा, वही सेम चीजें खूब अच्छे से पैक करके, खूब अच्छे से डिजाइनर उसमें लगा करके, यदि उसकी कीमत 15 रुपए है तो वहां पर उसकी कीमत 300 रुपए में देते हैं। ऑर्गेनिक फूड के नाम पर 300 रुपए का वो चार्ज करते हैं और आज वो रिच घरों की शोभा देता है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामीण इलाकों में पाए जाने वाले भोज्य पदार्थ किसी भी तरीके से पोषक तत्वों के मामले में कम है। उन्हीं भोज्य पदार्थों को खाकर अपना पोषण उन सबसे ज्यादा अच्छा रख सकते हैं। हम नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये सभी जानते हैं कि काजू में जितना पोषक तत्व पाया जाता है उससे ज्यादा अच्छा पोषक तत्व जो आपका मूंगफली में है उसमें मिलता है। अगर आप सेब 150 रुपए किलो का खरीद के खाते हैं और अपने आप को शाम से कहते हैं कि मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमरूद में उससे ज्यादा पोषक तत्व है, आंवला में उससे अच्छे पोषक तत्व है। तो ये सारी चीजें आपको सस्ते में मिलती है लेकिन आप पोषक तत्वों से भरपूर है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि आप महंगे भोज्य पदार्थों में ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस मिसकंसेप्शन को आपको दूर करना चाहिए। एक मेरे दिमाग में जो आता है वो आप सबके बीच में रखती हूँ मैं, जो मिसकंसेप्शन के तौर पर हम लोग आमतौर पर घरे जनरल तौर पर हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। जब आप सब्जी मंडी जाते हैं और सब्जियां खरीदने जाते हैं या फिर किसी मॉल में भी आपको सब्जियां मिल जाती हैं, तो हर वो सब्जी हमें आकर्षित करती है जो चमकती हुई हो, जो रंगीन हो, जो साफ सुथरी हो, जो देख के ही आपको अट्रैक्ट करे कि हाँ ये सब्जी बड़ी अच्छी लग रही, इसको हमें लेना चाहिए, ताजी लग। लेकिन आप ये नहीं जानते कि उस सब्जी को सुंदर बनाने के लिए, उस सब्जी को सुगौल बनाने के लिए, उस सब्जी को अच्छा बनाने के लिए, पैकिंग करने के लिए जो फार्मर्स हैं वो कितने केमिकल्स उसमें इस्तेमाल करते हैं। हम उस सब्जी को जरूर, जो अगर आप सब्जी मंडी में जाएंगे किनारे एक कोई किसान होता है जो थोड़ी सी सब्जी लगाकर बैठा होता है, जिसकी लौकी थोड़ी सी चिट्टीदार होती है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है, और उसके पास थोड़ा सा अमाउंट में बीन्स होती है, थोड़े से अमाउंट में गोभी होती है, वो भी पीली होती है, हम उसको इग्नोर करते हैं और हम उस दुकान को प्रेफर करते हैं जहाँ की गोभी बिल्कुल सफेद चमकती, बिल्कुल गठीली दिखती है, जहाँ की लौकी लंबी और बिल्कुल शाइन करती हुई और बिल्कुल चमकदार दिखती है। तो ये आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो व्यक्ति गरीब और अपनी छोटे से जगह पे सब्जी को आपको दे रहा है उसने केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। ये केमिकल जो हमारे जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है, इस बात को आप जानते हैं। यदि हम कहें कि हम पोषण लेते हैं, हमारे भोजन में सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं, हम सभी तरीके से फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, हम अनाज भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, रायता भी लेते हैं, सलाद भी लेते हैं, सब तरीके का भोज्य पदार्थ खाते हैं, लेकिन तब भी हमारा पोषण और हमारा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है जितना कि पहले के जमाने में हुआ करता था। तब आप ये दलील देते हैं कि पहले के जमाने में जो भोज्य पदार्थ मिलते थे वो कितने शुद्ध थे। लेकिन इस बात को आप अपने स्वयं के एप्लीकेशन के रूप में जब आप लेते हैं तो आपको भी ये बात ध्यान में रखनी होती है कि यदि हम पोषक तत्वों की बात करेंगे तो हमें उसकी फेस वैल्यू पर ध्यान नहीं देना है। हम किसी व्हाट्सएप से ली हुई तस्वीर को, जिसमें कि आप एडिटिंग करके उसको खूब सुंदर सा बना सकते हैं, उस तस्वीर की बजाय हम नेचुरल तस्वीर को प्रेफर करें, जिसमें कि आप उसकी जो नेचुरल है, नेचुरलिटी है, उसकी प्रकृति है, उसकी वास्तविकता है, उसको देख करके हम उसका चयन करें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे हिसाब से यदि आप किसी भी फूड आइटम्स का सिलेक्शन करने जाते हैं, उसको चूज करने जाते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखें कि हम उसकी फेस वैल्यू ना देखते हुए उसके उसकी पूरी प्रोसेसिंग को ध्यान में रखें कि हम उसको लेते समय हम ये पोषक तत्व कितने होंगे या वो हमारे शरीर में कितने जाके हम ग्रहण करेंगे, ये भी पूरा एक साइंस है। क्यों? क्योंकि हम जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं वो भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में जाने के बाद एक प्रोसेस से गुजरता है और वो बहुत साइंटिफिक है। हमारी बॉडी बहुत साइंटिफिक है। हम कोई भी खाना खाते हैं वो कहाँ से जाएगा, आहार नाल से जाएगा, आमाशय में जाएगा, वहां पे कौन से आपके जो एंजाइम्स हैं या जो पाचक रस हैं वो उनका वो
श्रमित होंगे और कौन से पोषक तत्व कहाँ पर पाचित होंगे, छोटी छोटे हाथ में क्या होगा, बड़ी आंख में क्या होगा, लीवर क्या करेगा, ये सब कुछ बड़ा साइंटिफिक है। ये हमारे कहने से या हमारे खा लेने से या हमारे हम चमकदार चीजें खाए और बॉडी को बोलने की ये तो हमने बहुत अच्छी चीज खाई है इसको जरा ध्यान रखना, वो नहीं करने वाली। उसको वास्तविकता पता है, उसको मालूम है कि उसको क्या लेना है और क्या निकाल देना है। अदरवाइज अगर आप हानिकारक चीजें खाएंगे तो वो बॉडी को जरूर नुकसान करेगी, बिना जाने बिना ये समझे कि आपने उस पर कितना पैसा खर्च किया है। ठीक है, तो ये मेरा कहना ये है कि आप इस बात को उसके चयन करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जो लाइफ स्टाइल हमारी आई है, इसके लिए हम दोष नहीं देंगे कि इस तरीके की जो व्यापार उभर के आ रहे हैं फूड आइटम से रिलेटेड, जो पैक्ड चीजों का फैशन आ रहा है, जूसेस, लीची का जूस आपको, ऑरेंज जूस है, एप्पल जूस है, पैक्ड मिल रहे हैं और हम बड़े शान से उसको अपने फ्रिज में रखते हैं और हम उसको अपने बच्चों को देते हैं और हम बात करते हैं कि उसमें पोषक तत्व है। तो ये तो आप स्वयं जानते हैं कि यदि आपने अपने श्रम को बचाने के लिए वो पैक्ड फूड रखे हैं, उस पैक्ड फूड को ओरिजिनल नहीं है, ये तो आप मानते हैं कि वो ओरिजिनल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी हर एक जो फूड आइटम है उसकी एक पेरिशेबल लाइफ होती है, उसका एक निश्चित दिन होता है, उतने दिन तक ही वो चलती है। अगर आपने उसकी नेचुरलिटी को खत्म करने के लिए उसको ज्यादा दिन तक चलाने के लिए कोई केमिकल का इस्तेमाल किया है कि वो ज्यादा दिन तक चल सके, तो वो केमिकल आपकी बॉडी को नुकसान करेगा, वो आपको नुकसान करेगा। इसलिए जो पैक्ड आइटम, जिससे कि हमें पैक्ड सब्जियां आजकल मिल रही है, बीन्स कटी हुई मिल रही है, गाजर कटा हुआ मिल रहा है, आप जानते हैं कि सब्जियां तुरंत काट के बनाने में जो पोषक तत्व मिलता है, अगर आपने उसको काट के छोड़ दिया या उसको आपने बाद में बनाया, तो कितने पोषक तत्व है उसमें नष्ट हुआ। तो अपने श्रम को हमने बचाने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई हैं, बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बन गए हैं कि आपकी मेहनत को किस तरह कम किया जाए। लेकिन एज एन एजुकेशनिस्ट, एज एन न्यूट्रिशनिस्ट, आप अपनी आंखें खोलिए। ये खोलने की जरूरत ये है कि उस फूड आइटम में आपको पोषक तत्व के नाम पर क्या दे रहा है, उसके लिखे हुए पे मत जाइए। उसमें लिखे हुए में तो आपको केमिकल्स भी लिखे हैं, जो केमिकल है उसको प्रिजर्व करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वो प्रिजर्व करने वाले केमिकल्स किसी भी मायने में आपको एक सीमित मात्रा से ज्यादा लेंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। तो फूड आइटम्स जब आप हम पैक्ड लेते हैं तो उसको लेते समय भी आपको ध्यान रखना है कि आप अगर उसको खुद से जूस बना सकते हो, 5-10 मिनट लगता है ऑरेंज जूस बनाने में, जूसर आप ले सकते हो, लेकिन आप तुरंत उसको बनाइए, सब्जियां तुरंत काटिए, जैम और जेली का इस्तेमाल कम करें। क्यों? क्योंकि उसके दो कारण हैं। हम कहते हैं कि हम हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर हम खाने के इस्तेमाल करें तो हमें 3 चीजों का परहेज जरूर करना चाहिए एक निश्चित उम्र के बाद, तो खास तौर से वो क्या है, वो चीनी है, नमक है और वसा है। इन चीजों का इस्तेमाल अगर आप कम से कम करेंगे तो आपकी लाइफ में इनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो कम होंगी। तो जैम जेली में जो शुगर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि शुगर कंटेंट इसलिए डाला गया क्योंकि वो ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व रह सके, लेकिन एट द सेम टाइम आप ज्यादा से अगर ज्यादा खा रहे हैं तो वो आपको नुकसान करेगा। इसी तरीके से अचार है, तेल है, अचार में आपका नमक और तेल की मात्रा ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा दिन तक चलाना है, ये दोनों आपके लिए नुकसान। तो जो प्रिजर्वेटिव है या प्रिजर्वेशन वाले फूड्स हैं उनको हम न इस्तेमाल करें, कम से कम इस्तेमाल करें। और ताजे सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल जो आपके वेजिटेबल्स हैं उनको खाएंगे, उनको फ्रेश खाएंगे, उनको तुरंत अगर आप प्रोसेस करके खाएंगे तो आपको उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा जो हमने आपको कुकिंग के मेथड्स और फल और सलाद खाने का मेथड भी थोड़ा सा डिस्कस किया है, ये हम सब जानते हैं कि बीइंग एन न्यूट्रिशनिस्ट और आप लोग जो अगर थोड़ा बहुत भी हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ये जानते हैं कि कई सारे कुकिंग मेथड्स ऐसे हैं या खाने के तरीके ऐसे हैं जिनसे कि हमारा जो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं उनका नाश हो जाता है। और जनरल तौर पर अगर हम खाना बनाते हैं और चावल बनाते हैं और घर में चावल यदि पीला परोस दिया जाए, किसी तरीके से उसमें पीलापन आ जाए या थोड़ा सा लसलसा हो जाए, तो हमारे यहाँ
एक जनरल हैबिट है कि हम लोग उसको अस्वीकार करते हैं, कैसा चावल बनाए, लेकिन अगर आपने चावल उसको खूब अच्छे से धो करके खूब वाइट करके और उसके सारे तीन चार पांच बार आपने धो करके चावल बनाया है, वाइट उसका दानेदार चावल दिखता है, तो वो सब पसंद करते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यदि आपने पांच बार चावल धोया तो उसमें कितना विटामिन बी बचा, विटामिन बी लॉस हो गया, क्योंकि विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। और अगर आपने उसको ज्यादा बार धोया तो वो पानी में आपने उसको धोके निकाल दिया, तो विटामिन बी को आपने ले लिया, आपने छोड़ दिया, हटा दिया, खत्म कर दिया। इसी तरीके से सब्जियों के पकाने का तरीका है, खुला रखकर, ढककर, प्रेशर कुकर रखकर पोषक तत्वों का ह्रास होता है उसमें। इसी तरीके से विटामिन सी जो सबसे ज्यादा लायबल विटामिन है, अगर हमने उसको काट के थोड़ी देर छोड़ भी दिया तो भी विटामिन सी खत्म हो जाता है। और हम लोग करते हैं कि गर्म पानी में नींबू डालकर पानी पीते हैं और गर्म पानी में आपका विटामिन सी चला जाता है। तो ये सारे जो क्वालिटी मेथड्स ऑफ कुकिंग है, ईटिंग हैबिट्स है, ये सारे भी हमारे शरीर में जो हमारे पोषक तत्वों का तो कम करते हैं। ये लाइफस्टाइल जो हमने थोड़ा सा जिक्र आपको किया था कि लाइफस्टाइल जो डिसीजेस हैं जिनको कि हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं अपने घरों में, बीमारियों को आमंत्रित करने वाली जो लाइफस्टाइल हम लोगों ने अपना रखी है, ये बहुत जो है ज्यादा इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम छोटी छोटी टिप्स अगर अपने डेली रूटीन में लें, हमारा जो दिन भर की परिचर्या है उसको हम एज ए पेरेंट उसको फॉलो करें और बच्चे हमसे देख के सीखें। अगर हमने उसको संदेश दिया या आदेश दिया या उसको हमने किसी तरीके का उपदेश दिया तो वो आपके बच्चों में संस्कार में आने वाला नहीं है। आपको भी उतना ही सजग और उतना ही सक्रिय होना होगा बीइंग अ पेरेंट जितने की आप और लोगों से अपेक्षा करते हैं। तो इतनी मेहनत तो आपको अपने एज ए पेरेंट करनी पड़ेगी। बच्चे जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, आई होप कि ये गर्ल्स कॉलेज है और गर्ल्स कॉलेज में किशोरियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, लड़कियों में खास तौर से आप आजकल जो है पतले दुबले एकदम थिनी करीना कपूर स्टाइल का जो बॉडी है वो करीना भी नहीं और भी पतले पतले लोग हैं, हम तो पुराने लोग हैं, मेलों को नहीं जानते, शायद दीपिका पादुकोण या शिल्पा शेट्टी, तो इस तरीके का फिगर को वो इमेजिन करते हैं, उनको मॉडल के तौर पर लेते हैं और उनको वो अपनाना चाहते हैं। और डाइटिंग का क्रेज बढ़ता चला जा रहा है जो मेरे विचार से या मेरे अनुभव से ये कतई गलत है। क्यों? क्योंकि आप उनका भी लाइफस्टाइल और उनकी डाइट अगर आप देखें, ठीक है आपने उसको और उनकी बॉडी फिगर को एज ए मॉडल आपने लिया, लेकिन आप जानते हो कि हर एक एक्टर के पीछे एक डाइटिशियन या दो डाइटिशियन और पूरा एक तंत्र लगा होता है कि उनकी बॉडी वैसी दिखे जैसे वो दिखाना चाह रहे हैं। ये उनके जॉब की रिक्वायरमेंट है, उनको वैसे दिखना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं दिखेंगे तो वो उस इंडस्ट्री में नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो जिसका काम ही यही है कि वो अच्छे दिखें, तो ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है कि पूरे दिन आप सूट पर चलें, ये आपका काम नहीं है कि आप पूरे दिन केवल फोर्स करके रहें। आपको पोषक तत्व तो लेने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पीछे इतना सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है, वो उनकी डाइट्स होती है, उनकी डाइट्स बनाने के लिए उनका काम देखा जाता है, उनकी एक्टिविटी देखी जाती है। बड़ा सारे फैक्टर्स अगर आप लोग पीजी कर रहे होंगे तो जानते होंगे कि हमें डाइट बनाते समय हम बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, उनकी एक्टिविटी कितनी है, उनकी एज कितनी है, उनका काम करने का तरीका क्या है, फिजिकल लाइफ स्टाइल क्या है, वो कितना मेहनत करते हैं, सोते कब है, कब उठते हैं। तो वो चीज आप फॉलो ना करें, आप वो देखें जो आपको सैद्धांतिक रूप से क्लासेस में बताया जाता है, कक्षाओं में बताया जाता है, पोषक तत्व बताए जाते हैं। और पोषक तत्व और आपके जो स्वास्थ्य की रिलेशनशिप है उसको बताया जाता है, उसको आप फॉलो करें ताकि आप उन परेशानियों से बच सके जो पोषक तत्वों की कमी से होती है। और आगे चलकर आपको बहुत लंबा जीवन जीना है, आपको अपने लिए जीना है, आपको परिवार के लिए जीना है, इसलिए आपका पोषक तत्व, आपका पोषक तत्व जो भी है वो इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि आप सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सके। तो ये तो कुछ आपको हमने ये बताया जो भ्रांतियां हैं जो आमतौर पर अभी समाज में व्याप्त है और इससे संबंधित विसंगतियां जो होती चली जा रही है और आगे अगर हम नहीं समझे तो इससे संबंधित और भी विसंगतियां हो जाएंगी।
अब मैं हर तरह से आज ये वाला जो लेक्चर है, इस लेक्चर में आपकी अनुमति से कुछ न्यूट्रिएंट्स को बताना चाहूंगी। वो न्यूट्रिएंट्स जो कोविड 19 की वजह से हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हो गए हैं, और वो उपयोगी इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये हमारी जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं और हमें सभी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, खासतौर से आपके कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। बहुत छोटी सी बात ये है कि कई बार आप लोग व्हाट्सएप भी देखते हो और उसमें इससे रिलेटेड कई सारी बातें आती हैं। एक व्हाट्सएप में हमने बड़ा वो किया, मुझे बड़ा आकर्षित किया, मैं थोड़ा सा उससे प्रभावित हुई। वो ये था कि टिकोगे तो बचोगे, आई थिंक मतलब मेरा कहने का ये था कि वो कोरोना वायरस तो ये सब जान गए हैं कि ये रहना ही है समाज में, जब तक कि इससे संबंधित आपको किसी तरीके की वैक्सीन नहीं प्राप्त होती। वैक्सीन न प्राप्त होने के तक एक साल या दो साल तक आपके मध्य कोरोना रहने वाला है। कहां ये ऐसी वैश्विक परेशानी थी जबकि हमारे भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को हमें लॉकडाउन उनको करना पड़ा। लॉकडाउन 2 महीने तक पूरे तरीके से हमारा देश बैठ गया। माना ये जाने लगा था कि हम अगर घर में बैठेंगे तो शायद कोरोना नहीं फैलेगा, शायद कोरोना से हम बच जाएंगे। उन्होंने भी नारा दिया कि आप घरों के बाहर ना निकलें जब तक जरूरी ना हो। बहुत तरीके के प्रयास किए गए कि कोरोना ना फैले, लेकिन इसके बावजूद अब चूंकि हमारे सामने आर्थिक विषमताएं आने लग गई तो हमें लॉकडाउन को खत्म करना पड़ा और हमें ये मान के चलना पड़ा कि हमें खुद से सुदृढ़ रहना है। तमाम तरीके के प्रचार प्रसार और कार्यक्रम और इस तरीके के जो जितने भी प्रयास है सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और कोरोना वायरस से जो ग्रसित लोग हैं उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं, उस वाले जो शहरों से बच के बाहर भी निकल रहे हैं, वो आइसोलेशन में जा रहे हैं, अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं, तो उसके पीछे की जो वजह है वो सिर्फ ये है कि सरकार आपको ये कहती है या हम भी आज इस मामले में सतर्क रहें कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, इम्यूनिटी को हम डेवलप करें, संतुलित आहार के साथ साथ हम हर वो पोषक तत्व खाएं जिनसे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी क्या होती है संक्षेप में अगर आप जाने तो हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, हमारी बॉडी अंदर एक डिफेंस सिस्टम हमारे बॉडी में काम कर रहा होता है, कोई भी रोग का कीटाणु हमारे शरीर में आता है हम उससे बच जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज उससे लड़ने के लिए तैयार होती है। हमारी हमारी बॉडी में वो हमारी वो जो ऑलरेडी प्रतिरोधक क्षमता वाले कीटाणु है वो रहते हैं जो उस रोग से हमें बचा लेते हैं, तो वो अगर हमारी मजबूत होगी तो हम अपने किसी भी आने वाले रोग या किसी भी आने वाले जो जो परेशानियां हैं या रोग हैं या विसंगतियां हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो इम्यूनिटी में 2 तरीके की है, आप जानते हैं कि एक बॉडी में अपने आप में होती है लड़ने की क्षमता होती है और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो कि हम बाहर से एक्वायर करते हैं, लेने की जरूरत पड़ती है। उन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए जो हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में अलग से लेने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो कौन कौन से हैं वो हम उनके बारे में आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहते हैं। उनमें है प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आप कोविड 19 से जुड़े हुए किसी भी रोगी अगर आप जानते होंगे उसको दी जाने वाली औषधियों का देखें, वो निरीक्षण करें, तो आप देखेंगे कि उसमें भी विटामिन सी के टैबलेट्स हैं, उसमें विटामिन डी की है, B3 है, B3 दिया जाता है, फाइबर एम्बेक्टिन दिया जा रहा है जो जो तुरंत उसके संपर्क में आ रहा है, ऐसे व्यक्तियों को आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है 3 दिन के लिए। इसके अलावा खाने में संतुलित आहार कहा जा रहा है, काढ़ा कहा जा रहा है, भाप लेने को कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो आप सभी जानते हैं वो हमारे थ्रोट पर और हमारे लंग्स पर असर करता है, हमारे जो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है
उसको खत्म कर देता है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पहले से बीमार है या थोड़ा भी बीमार है उस आपदा को झेल नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने शरीर के अंदर की जो ताकत है उसको मजबूत करिए, उससे लड़ने की क्षमता बना के रखिए, बैलेंस डाइट लीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पोषक तत्व लीजिए, जिनसे कि आप आगे आने वाले दिनों में बच सकें और अपने जो भी महत्वपूर्ण कार्य आपके से संबंधित है उसको संपादित कर सके। मेरा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया मैंने। मैं इसी के साथ इसी संदेश के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहे, आप सभी संतुलित आहार और आप सभी संतुलित भोजन और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ को अपने भोज्य आदतों में शामिल करें और हम अपने जहाँ भी जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अपनी सेवाओं को यथावत देते रहें। इसी संदेश के साथ मैं पुनः महाविद्यालय परिवार के सभी आयोजकों और विशिष्ट अतिथि और जो आपके साथ लगे हुए सहयोगी हैं, मैं खास तौर से सुनीता बनर्जी जी को धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। उनके बहुत सुंदर से सरस्वती वंदना से मन मुदित हो गया था। मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी उनकी बात, जो उनका सरस्वती वंदना थी। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत उनको आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देती हूँ। विशाल जी और सहयोगी जन जो शुरू से हमारे साथ इस समय इस कॉन्फ्रेंस को बनाए रखने में और संचालित करने में लगे हुए हैं, और साथ ही हर कई महाविद्यालयों के प्राध्यापकगण और प्राचार्यगण जो इस वेबिनार में इस विषय पर हमसे जुड़ पाए, मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और सभी प्रतिभागियों और सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आज के इस संदेश में दो संदेश भी अगर आप अपने दैनिक जीवन में रखें और उसे संचालित करेंगे तो जरूर ये जो वेबिनार है उसका जो उद्देश्य है वो सफल हो पाएगा। सुधा मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।